जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के बाद अब सरकार ने तहरीके हुर्रियत पर प्रतिबंध लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA के तहत बैन लगाया है। IIT BHU में करीब 2 महीने पहले हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि IIT कैंपस में आधी रात को बुलेट से आए आरोपियों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए थे। इस घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा की मांग को लेकर IIT BHU में लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ था। पकड़े गए सभी आरोपी वाराणसी के रहने वाले हैं। मुंबई पुलिस कंट्रोल को शनिवार शाम करीब 6 बजे एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने दावा किया कि मुंबई में धमाके होंगे। इतना कहने के बाद फोन काट दिया गया। पुलिस ने मुंबई के कई प्रमुख जगहों पर इसकी जांच की, लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिलहाल पुलिस अब कॉल करने वाले को तलाश रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। जब तक लोकसभा का चुनाव चलेगा तब तक PMO और सरकार अयोध्या से चलेगी। उन्होंने कहा, हम भी राम भक्त हैं। हमने और हमारी पार्टी ने राम मंदिर के लिए खून, त्याग और बलिदान दिया है, लेकिन इस तरह की राजनीति देश में कभी नहीं हुई। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। भारत मौसम विभाग ने दिल्ली सहित नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम सहित NCR के अन्य इलाकों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कोहरे का असर रेलवे और हवाई सेवाओं पर पड़ रहा है। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 23 ट्रेनें देरी से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 108वें एपिसोड को संबोधित किया। यह साल 2023 का आखिरी मन की बात था। अपने संबोधन में PM ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने साल 2023 में भारत की उपलब्धियों को गिनाया। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव बनाया गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए होगा। कल 1 जनवरी को पूरा देश नए साल का जश्न मनाएगा। साल बदलते ही देश में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव भी होने जा रहे हैं। मोबाइल फोन उपयोगकर्ता नए साल के पहले दिन बिना कागजी फॉर्म भरे नए सिम प्राप्त कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग कागजी आधारित KYC प्रक्रिया 1 जनवरी से खत्म करने जा रहा है।